तो कैसे हैं आप लोग? 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और जो भी कुछ दिन बचे हुए हैं वो बिल्कुल इस तरीके से गुजर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा बिल्कुल कैसे गुजर रहे हैं ये दिन। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे होंगे, बट भाई क्वेश्चंस रटना मत, रटना मत, रट के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में रटना मत, क्वेश्चन रटने पे जाओगे तो बिल्कुल वो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को ऐसा लगाओगे कि उसका क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन हो जाए, उसके ऑप्शंस का मॉडिफिकेशन हो जाए, तो मैं उसको पूरी तरीके से कर लूंगा, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, लेकिन ये बात मेरी ध्यान रखना आप लोग सभी लोग कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन का तरीका देखना है, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसीलिए मैं ये जो टॉपिक लाया हूँ ये इसीलिए लाया हूँ कि आप इस पर वर्क कर सकें, वर्कआउट कर सकें। किसी का ही वर्कआउट करोगे यार ग्रो करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है, आते हैं टॉपिक पे, अपने ध्यान से देखना। और सबसे पहली बात, कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, जिससे ये क्वेश्चंस नोट भी कर लिया करो और उस पर अपना वर्कआउट कर लिया करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं बता रहा हूँ। एल शेप्ड क्रोमोजोम क्या होता है? एल शेप का क्रोमोजोम जो होता है वो कैसा क्रोमोजोम होता है? वो सब मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है, एल शेप का होता है। ठीक है, इसमें एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए आ सकता है, इसके लिए आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहो। एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोजोम होता है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये क्रोमोजोम जो होते हैं वो इससे भी छोटे छोटे आर्म्स के होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आई शेप्ड क्रोमोजोम, आई शेप्ड क्रोमोजोम कहते हैं, याद रखिएगा। ये टीलोसेंट क्रोमोजोम जो होता है वो होता है आई शेप्ड। ठीक है, और जो एक्रोसेंट्रिक होता है ये होता है रॉड लाइक। और एक होता है यहाँ पे नोटा जो है, नन ऑफ द अबव है, नोटा जो मैं अगर दूसरा ऑप्शन डालू तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा, और मेटासेंट्रिक का जो शेप होता है वो होता है वी शेप। ठीक है, क्योंकि इसके सारे आर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आर्म्स पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो याद रखना। एल शेप किसका होता है? सब मेटासेंट्रिक का। वी शेप किसका होता है? मेटासेंट्रिक का। टीलोसेंट्रिक आई शेप, और एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बात को बिल्कुल सही तरीके से आप लोग याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पे कौन सा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट द इंसेक्ट फॉर, प्लांट इंसेक्ट भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? आपको जिस चीज की जरूरत होती है आप उसको खाते हो, प्लांट के पास जो नहीं है प्लांट उस चीज को पूरा करने के लिए खाएगा। क्या प्लांट के पास सोडियम पोटेशियम नहीं है? क्या प्लांट के पास नाइट्रोजन की कमी है? क्या प्लांट के पास फास्फोरस क्लोरीन की कमी है? आप सबको पता है डायरेक्टली प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता है, किसी फिक्सेशन की जरूरत होती है। तो इंसेक्ट को कैप्चर करके उसके बॉडी के नाइट्रोजन को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो हमेशा इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको जरूरत होती है नाइट्रोजन की। एसेंशियलिटी होती है उसकी किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, जेनेटिक्स के, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, बायोटेक के, और प्लांट फिजियोलॉजी के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उसको लगाऊंगा। तो चैनल पे यहाँ पे बने रहना बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, और चैनल हमेशा उसको स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे आप जो भी नोटिफिकेशन जा रही है उसको तुरंत मिले, और उसी दिन लगाओ। ठीक है, वेट मत करो, उसी दिन लगाओ भाई, फायदा वो तभी करेगा तुम्हें जब उसको तुम, ये कोई चैनल जो है वो पूरा एजुकेशन का चैनल है, तो इसलिए बिल्कुल पर डे फॉलो करो इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि नाइट्रोजन की जरूरत प्लांट को होती है। और बहुत सारे, अच्छा देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने जनरेट हो रहे हैं, हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जनरेट होते हैं। अगर आपने ये लिंक करना शुरू कर दिया तो काम आपका हो गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पूछ लेगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप लोग नाम जानो, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, सन ड्यू प्लांट, पिचर प्लांट, पिचर। ठीक है, बटर कप, तमाम इस तरीके अगर आपको आते हैं तो आप याद रखना कि ये सारे प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का आप चीजें याद रखो बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो हर एक वीडियोस में मेरे एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट होता है, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस का अभी फिलहाल इस पे इस तरह के क्वेश्चंस बने नहीं है, बट आ सकते हैं, इसकी कोई कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं।
तो मेरा ध्यान आया C4 प्लांट पे। C4 प्लांट के बारे में देखो क्या लिखा है, C4 प्लांट टॉलरेट्स हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। आप सबको पता है कि C4 प्लांट जो होते हैं वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर में मतलब हाई टेम्परेचर के लिए वो सब एडाप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं, क्या कारण है उसका। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है OAA और जेलो एसेटिक एसिड, फिर क्या दिया हुआ है पायरुविक एसिड, फिर क्या दिया हुआ है PPDK, फिर क्या दिया हुआ है PEP। ये चार ऑप्शन को ध्यान से नजर दौड़ाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसका नाम थोड़ा नया सुन लिया है। अब नया नाम सुन लिया है, नया क्वेश्चन भी है, तो इसका ऑप्शन भी यही होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि PPDK का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इसकी प्रेजेंस की वजह से ये लो टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव एंजाइम होता है, इसीलिए C4 प्लांट सिर्फ हायर टेम्परेचर में ही क्या करते हैं यहां पर अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, लोअर टेम्परेचर में ये सही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन उतना अमाउंट में नहीं होता है। तो PPDK आपको याद रखना, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा PPDK, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, PPDK। ठीक, अब इसका इसका हम लोग वो लिख लेते हैं, फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, पाइरुवेट फॉस्फेट डाई काइनेज, ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, लो टेम्परेचर के लिए, तो इसको हम लोग यहां पे मान लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें, C3 C4 प्लांट से है। यहां पे क्या क्वेश्चन है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो C3 प्लांट में कौन सा होता है। अगर आपने कैल्विन साइकिल पढ़ी है, C3 साइकिल पढ़ी है, जिसको जिसके बारे में बताया था किसने, मेल्विन कैल्विन ने बताया था, तो आपको पता होगा कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 प्लांट में होता है वो PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। और अगर यहाँ C4 प्लांट दिया होता तो मैं लगाता फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग OA भी कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ठीक है, तो C3 से आपको C4 भी याद रखना है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है C3 में और पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है C4 में। ठीक है, ये दो बातें आप लोग याद रखोगे। पाथवे कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल होती है, और क्या होता है कैम पाथवे होता है, क्रेसिबुसेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है। तो ये तीन पाथवे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और हमेशा बनते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ जानना है आपको। मैलिक एसिड जगह ऑप्शन दिया है, मैलिक एसिड तो भाई कहाँ बनता था, हैचन स्लैग पाथवे में बनता था। ठीक है, ये मैलिक एसिड जो होता है मीजोफिल सेल में बनता था और ट्रांसपोर्ट होता था कहाँ पे, बंडल सीट सेल में, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस तरीके से रिवीजन जरूरी है हर एक ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के सारे टॉपिक पे डिस्कस हम लोग कर सकते हैं और काफी ज्यादा रिवीजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए करेक्टली मैच पेयर आ रहा है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लाइटोरिस जो होता है वो फीमेल में होता है। ठीक है, दिया हुआ है कौन सा करेक्ट है इसमें से, इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल सही बात है, होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस सही है, ग्लैंड्स पेनिस कहाँ होता है मेल में होता है, तो ये क्लाइटोरिस जो होता है वो बिल्कुल ग्लैंड्स पेनिस की, तो जैसे मेल में ग्लैंड्स पेनिस होता है, फीमेल में क्या होता है क्लाइटोरिस होती है। और क्लाइटोरिस के बारे में आपको बता दूं, क्लाइटोरिस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है पेनिस के कंपेरिजन में, अप्रोक्सीमेटली आधे इंच का होता है, 0.5 इंच का, और इससे थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स ऑफ क्या कहते हैं पेरेंट। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम लोग क्वाइटस कहते हैं। ठीक है, और वहां पर जो मेथड बताया था बैरियर मेथड, वहां पर क्या कहते हैं इजेकुलेशन बाहर करने का जो मेथड मैंने डिस्कस किया है वो है क्या क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम भी होता है क्या कहते हैं मदर से निकलता है मिल्क से। ठीक है, सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल प्लाज्मा, मजाक कर रहे हो क्या, सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है मेल का सिक्रीशन होता है। ठीक है, कोलोस्ट्रम जो होता है वो मदर के मिल्क में होता है और इनिशियल 2 to 3 days ऑफ लैक्टेशन के 2 से 3 दिन तक ये लगातार कोलोस्ट्रम यहाँ पे होता है। और कोलोस्ट्रम जो होता है वो सबसे पहला वैक्सीन है बच्चे के लिए, पहली एंटीबॉडी है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है कोलोस्ट्रम से, डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है,
क्रोस्टम जो होता है येलोइश होता है, और क्रोस्टम में काफी ज्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन होते हैं, IgA एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए है ना। तो भाई ये सारे ऑप्शन सर, अच्छा देखिए यहाँ पे इनकरेक्टली कर रहा था, देखिए मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन इसको बनाते वक्त इनकरेक्टली यहाँ पे करना था, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर हम लोग जान गए कि इनकरेक्ट भाई कोलेस्ट्रॉल ही होगा, इतनी गलत बात कैसे आपने कह दिया है ना। सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल प्लाज्मा। अब दिया हुआ एरियोला, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द निप्पल, निप्पल के अराउंड जो सर्कुलर एरिया होता है जो पिगमेंटेड होता है, उसका कलर डिफरेंट होता है, ठीक है, वो भी मोर पिगमेंटेड होता है, लेस पिगमेंटेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके करती है, इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस पे चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है, और जो लोग आपके आसपास के जो नीट वाले लोग हैं उन लोग से भी इसको शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।